न्याय करने की औकात किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। न्याय अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश की मूर्ख जनता कर सकती है, और कैसे करना है वो तरीका सिर्फ हम बता सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की हैसियत क्या है, हालत क्या है, ये देश से छुपा है क्या, बोझ बने हुए हैं पूरा देश पर। अगर न्याय एक घंटे में 10 दिन में न मिले तो वो न्याय नहीं, वो पाप है। अक्टूबर को एक बड़ा नरसंहार हुआ देवरिया में, जिस नरसंहार से पूरा देश कहीं ना कहीं आहत है, लेकिन उस नरसंहार को भी लोग जातिवाद से जोड़ रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस यादव तमाम ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो में फ्रेम में आपको एक और तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, श्रेया की मौत और आजमगढ़ महोत्सव आखिर क्यों। तो हम आज इनसे चर्चा करेंगे देवरिया मामला को लेकर। अभी भी आप श्रेया तिवारी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ अभी उसमें? मैं किसी को न्याय दिलाने के लिए ये सब काम नहीं करता हूँ। किसी की मौत से, किसी की परेशानियों से राजीव तलवार को दुख नहीं होता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और दुख तो किसी को नहीं होता है, सब साले नौटंकी करते हैं। मणिपुर कांड से किसी को तकलीफ हुई होगी? अगर कहता है तो साला झूठ बोल रहा है। किस मणिपुर हो, देवरिया हो, श्रेया हो, या फिर अभी वो उज्जैन की घटना थी, किसी के दर्द से किसी को लेना देना नहीं है। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया मरी हुई है। मैं किसी मकसद से सब काम कर रहा हूँ। क्या मकसद इसके पीछे? आप कह रहे हैं कि कोई किसी की मौत से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? आपको फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है। मैं तो ग्राउंड पर भी गया था, मैं लोगों की बात सुन रहा था, मैं चाह रहा था कि अगर इनके साथ न्याय नहीं हो रहा तो न्याय होना चाहिए। मैं तो आवाज़ तो उठाता हूँ, तो आप भी तो वही करते हैं, लेकिन कह रहे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस देश का शिक्षक ही पता ना हो सच कब बोलता है, वो उसको लगता है कि मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ। उसी तरह इस देश का अधिकारी, नेता और पत्रकार और जनता भी सोचती है, लेकिन जनता को किसी को पता नहीं कि कब वो झूठ बोल रहा है, कब वो सच बोल रहा है। यार किसी की मौत से, किसी की परेशानियों से अगर वाकई लेना देना होता तो इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं हैं। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो लोग तमाशा देखते हैं गांव, तब कोई पार्टी का नेता क्यों नहीं पहुंचता है? एक इस देश में नेता बता दीजिए, अधिकारी बता दीजिए, जो किसी की परेशानी में काम आता है। और जब घटनाएं हो जाती हैं तो साले वहाँ जातिवादी नेता पहुँच के कुत्ते की तरह भौंकते हैं। इनको किसी के दर्द से लेना देना नहीं है, ये साले नीच हैं, बेईमान हैं और निष्ठा करने हो जाते हैं, ये सब दलाल हैं सब। ब्राह्मण वर्सेज यादव बनाया गया पूरे मामले को 2 अक्टूबर के बाद, ऐसा मामला वहाँ पर किया गया कि आमने सामने कोशिश की जा रही कि यादव सामने हो, ब्राह्मण उनके सामने हो, ऐसी पूरी कोशिश वहाँ पर की गई। तमाम खबरें चली कि यहाँ पर इस मामले को पूरा मोड़ दिया गया है कि यादव वर्सेज ब्राह्मण। अरे यार, तो क्यों नहीं होगा? मीडिया को अपने पक्ष में करके, जनता को बेवकूफ़ बना के, कभी हिंदू मुसलमान, कभी जात के नाम पे, इस देश की पार्टियां फूट डालो, राज करो। और वैसे ही उनके चेले हैं, ये सब गिद्ध हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। किसी के न्याय से किसी को लेना देना नहीं है। और अगर हम लोग सुधरे नहीं, अपनी परेशानियों का समाधान खुद नहीं करे, तो ये साले समाधान नहीं कर पाएंगे। ये सब तो खुद इस देश के हमारी परेशानी का कारण बन चुके हैं। इस देश का पूरा सिस्टम अगर सही होता तो ऐसी परेशानियाँ क्यों होती? किसी समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, घटनाएं हो जाने के बाद ये सब साले नौटंकी करते हैं। ये बहुत नीच टाइप के बेशर्म लोग हैं, गद्दार हैं, और इसी कारण इस देश की जनता भी ऐसे लोगों का साथ देती है। सिस्टम कैसे सही होगा फिर? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे जब तक पैदा नहीं होंगे कुछ सही नहीं होगा। हजारों ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो देश और समाज के लिए निस्वार्थ जान दे सकें, मौत से टकरा सकें। ऐसा नहीं होगा तो सदियों से यही सब होता आ रहा है, और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, फिर 10 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, फिर घटनाएं होंगी। और देखिए, कचहरी में पूरा मुकदमों का अंबार भरा पड़ा है, और 30 साल 50 साल में भी न्याय नहीं होता है। न्याय नहीं, नौटंकी है, पाप है। अगर न्याय एक घंटे में 10 दिन में न मिले तो वो न्याय नहीं, वो पाप है, बेईमानी है। और न्याय के नाम पर इस देश में नौटंकी हो रही है, किसी की औकात ही नहीं कोई न्याय कर पाएगा। ये साले मरे हुए लोग, कायर समाज कभी न्याय नहीं कर सकता। ये देखिए, मैंने लिखा भी है, कायर समाज किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। और किसी के मर जाने के बाद, देवरिया में कांड हो जाने के बाद क्या कोई न्याय करेगा? जिंदा रहते तो किसी की परेशानी में कोई नहीं आता है, मरने के बाद क्या न्याय करेगा यार? ये चूतिया बनाते हैं साले सब। जमीनी विवाद वहाँ कारण बताया जा रहा है इस सारे मामले का, इस बड़े नरसंहार का, 6 लोगों की जिसमें मौत हुई, जमीनी विवाद बताया जा रहा है कि जमीन की। ये पहली घटना थोड़े है यार, इस देश में कितनी हत्याएं जमीन के लिए हुई हैं, कितनी हत्याएं जमीन के लिए हुई हैं। उससे सरकार ने, नेताओं ने और इस देश की जनता ने क्या सबक सीखा है बताइए? दो लोग जब लड़ते हैं तो पूरा गांव तमाशा देखता है, तो ये होगा, ये सब होता रहता है, होगा जब तक ये साले गांव वाले प्यार से नहीं रहेंगे। जब लड़ाई हो ना आपस में, तो कोशिश करिए तो सुलझ जाएगा मामला, वहीं दब जाएगा।
लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन साले साहब के सब नामर्दों की तरह तमाशा देखते हैं, बुजदिलों की तरह से। कार्रवाई भी होती वहाँ पर, दर्जन से ज्यादा लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। एसडीएम तहसीलदार लेखपाल, उससे क्या फायदा होगा? होगा कुछ फायदा? लेखपाल सरकारी कर्मचारियों की हैसियत क्या है, हालत क्या है? ये देश से छुपा है क्या? ये साले बोझ बने हुए हैं पूरा देश पर, और क्योंकि इस देश की जनता ही बोझ बनी हुई है। इस देश का शिक्षक साला बोझ बना हुआ है। किसी समस्या का समाधान हो तो बताइए जरा, इस देश के पास किसी समस्या का समाधान हो तो बताइए आप। योगी जी तो बड़ी कार्रवाई की बात करें, हमने बड़ी कार्रवाई कर दी उन अधिकारियों को, हमने सस्पेंड करवा दिया। योगी जी जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, लेकिन योगी जी नहीं दुनिया के किसी शिक्षक को, नेता को, जज को नहीं मालूम कि न्याय होता क्या है। न्याय करने की औकात किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। न्याय अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश की मूर्ख जनता कर सकती है, और कैसे करना है वो तरीका सिर्फ हम बता सकते हैं। न गीता बता पाएगी, न कुरान बता पाएगी। तरीका क्या है, क्या तरीका? आखिर आप इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, वो तरीका क्यों जनता को समझ में नहीं आ रहा है? अब जनता को हम समझ में नहीं आ रहे तो क्या मेरी गलती है? मेरी गलती है? अब हम का सीना चीर के दिखा दें क्या? इन सालों को मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गांधी समझ में आते हैं, हम समझ में नहीं आते हैं तो क्या करें? हम सीना चीर के दिखा दें, जान दे दें अपनी? हम समझाने के लिए सब करते नहीं, हम तो शेर खोज रहे हैं। हम जनता के लिए सड़क पर थोड़ा आए, हम तो मर्द खोज रहे हैं। हमको ऐसे मर्द मिलेंगे, दिखाइए कमरा, ऐसे मर्द मिलेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे कि नेतागिरी कैसे होगी, न्याय कैसे होगा। शेर मिलेंगे इसे हमको? मिल नहीं रहे, लेकिन आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहे। मिलेंगे, समय लगता है। झूठ बोल के सफलता पाने में समय कम लगता है, बेईमानी करके सफलता बहुत जल्दी पाई जा सकती है, लेकिन कांटों पे, ईमानदारी पे चल के सफलता पाना थोड़ा समय लगता है, जरूर मिलेगा। इस मामले में अभी तक प्रेमचंद यादव को किसने मारा ये पुलिस ने अभी तक नहीं बताया। लोग कह रहे हैं कि सतप्रकाश दुबे ने उनके परिवार ने मार दिया, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हो पाया कि आखिर सतप्रकाश दुबे के परिवार ने ही मारा या फिर और लोगों ने मिलकर मारा। अभी प्रशासन ने कुछ नहीं बताया। अब तो मर गए, उधर से भी मर गए, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये सब नौटंकी कर रहे हैं, 10 दिन में सब भूल जाएंगे, 10 दिन में भूलने वाले हैं। कब तक वहाँ रहेंगे साले? ये न्याय दिलाने के लिए गए। अरे राजीव तलवार को, श्रेया को जो न्याय नहीं दिला पाया, वो किसी को न्याय नहीं दिला पाएगा। आज तक किसी नेता, किसी अधिकारी ने मेरा दर्द नहीं पूछा है, तो वो श्रेया का, देवरिया को पूछेगा? अगले सरकारी कर्मचारी गुलाम है, जो मोदी, मुलायम, मायावती कहते हैं यही करते हैं।